फिजिशियंस रिस्पॉन्सिबिलिटी इन क्रिमिनल मैटर्स। हमारा आज का टॉपिक है फिजिशियंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफ़ी होती है। इसमें आज हम मेडिको लीगल केस में फिजिशियंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो देखेंगे। इन मेडिको लीगल केस ये हो या सिंपल केस हो, फर्स्ट तो हमारा ड्यूटी होता है कि ट्रीटमेंट। तो सो इन मेडिको लीगल केसेस ट्रीटमेंट गेट्स प्रायोरिटी, देयर आफ्टर प्रोसीजरल क्रिमिनल लॉ विल ऑपरेट इन ऑर्डर टू अवॉइड नेग्लिजेंट डेथ। मतलब पहले ट्रीटमेंट देना है, बाद में लॉ का जो प्रोसीजर है वो हमें फॉलो करना है। सेक्शन 39 CRPC क्या कहती है ये देखते हैं कि एज पर सेक्शन 39 CRPC, ए डॉक्टर हु इज अवेयर ऑफ द कमीशन ऑफ क्राइम सच एज मर्डर, डेकोटी, बगिंग वॉर अगेंस्ट द लॉफुल गवर्नमेंट और हेल्पिंग द एस्केप ऑफ प्रिजनर्स एटसेट्रा। डॉक्टर को पता है कि ये क्राइम हो रहे हैं तो वो लीगली बाउंड है नज़दीक के मैजिस्ट्रेट को बताने के लिए। मतलब वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको बताए कि यहाँ कुछ हो रहा है। अगर उसने नहीं बताया, मतलब नॉन कंप्लियंसी इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 176 IPC। अब सेक्शन 202 IPC क्या कहती है कि द डॉक्टर नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव। अब डॉक्टर को पता है कि वो जिस पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं वो उस पेशेंट ने कोई क्राइम किया है, और वो जानबूझकर डॉक्टर अगर पुलिस को नहीं बताता है, ये बात ओमिट कर देता है, तो डॉक्टर है उस बात के लिए 202 IPC के मुताबिक उसको पनिशमेंट मिलेगा। उसमें 6 मंथ तक का जेल भी हो सकता है। मतलब डॉक्टर को पता है कि वो जिस पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा है उसने कुछ ऑफेंस किया है, तो डॉक्टर की ड्यूटी बनती है कि वो पुलिस को बताए और छुपाए मत। अगर पुलिस को पता चल गया कि डॉक्टर को पता था और नहीं बताया है, तो डॉक्टर 202 के मुताबिक गुनहगार हो जाएगा। बट इफ़ ही ट्रीट्स ए पर्सन हु हैज़ अटेम्प्टेड टू कमिट सुसाइड, बट जो वो पेशेंट को जिसको ट्रीट कर रहा है उसने सुसाइड का अटेम्प्ट किया है, तो सुसाइड के अटेम्प्ट के लिए सेक्शन 309 के मुताबिक डॉक्टर को पुलिस को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर्स ड्यूटीज इन केस ऑफ क्रिमिनल एबॉर्शन। अब क्रिमिनल एबॉर्शन में डॉक्टर्स की क्या ड्यूटी है, तो डॉक्टर को उसकी ऑल इन्फॉर्मेशंस ले लेनी है और इस इन्फॉर्मेशंस को प्रोफेशनल सीक्रेट के तौर पर रखना है, डिक्लेयर नहीं करना है। पेशेंट को बोलना है कि अगर तुम्हें कुछ स्टेटमेंट देना है तो वो दे सकता है, अगर वो ना बोलता है पेशेंट कुछ स्टेटमेंट देने के लिए तो डॉक्टर उसको फोर्स नहीं कर सकता है। क्रिमिनल एबॉर्शन का केस है तो डॉक्टर को अपने प्रोफेशनल कलीग से भी डिस्कस करना है, ओपिनियन लेना है, एक्सपर्ट एडवाइस लेना है और अपनी ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट ट्राई करनी है। बट वुमन्स कंडीशन, मतलब जिस क्रिमिनल एबॉर्शन जिसने इंड्यूस किया है या उसके पर करवाया है, उस पेशेंट का अगर कंडीशन सीरियस है तो डॉक्टर को डाइंग डिक्लेरेशन के लिए अरेंजमेंट करना पड़ेगा। और अगर वो लेडी है उसका डेथ हो गया तो उसको डेथ सर्टिफिकेट इश्यू नहीं करना है, लेकिन पुलिस को इन्फॉर्म करना है और ताकि और उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रिफ़र कर देना है और वहाँ उसका ऑटोप्सी होगा और कॉज ऑफ डेथ पता चलेगा। बाद में ही वो गवर्नमेंट वाला कैजुअलिटी वाला डॉक्टर जिसके पास वो पेशेंट गया था वो डेथ सर्टिफिकेट इश्यू करे। ड्यूटीज ऑफ अ मेडिकल प्रैक्टिशनर इन केस ऑफ, अब हम बात करते हैं पॉइजनिंग की। पहले हमने बात की सुसाइड अटेम्प्ट की, बात की ऑफेंस की, बात की क्रिमिनल एबॉर्शन की, बात की अब सस्पेक्टेड पॉइजनिंग का केस हमारे पास आ गया। तो हमारी ड्यूटी सबसे पहले कौन सी है, तो कि मेडिकल ड्यूटीज़ है। हर बार हमारी ड्यूटीज़ पहले मेडिकल ही होगी।
मतलब मेडिकल केयर विथ ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट। बाद में आएगी हमारी लीगल ड्यूटीज़। तो लीगल ड्यूटीज़ में क्या है, हमें उसकी एज, सेक्स, एड्रेस, डेट, टाइम वगैरह प्रिलिमिनरी पर्टिकुलर्स को नोट करना है। अगर वो केस हमने, हमको लगा कि ये सस्पेक्टेड होमिसाइडल पॉइजनिंग है, मतलब उस पेशेंट को किसी ने जहर देने की, देके मारने की कोशिश की है, तो हमें उसका, उसको कंफर्म करना पड़ेगा और आगे जाके बाकी का काम करना पड़ेगा। और उसके लिए हमें कंफर्म हो गया कि ये होमिसाइडल पॉइजनिंग का केस है, तो हमें वो पॉइजन किसने दिया, कब दिया, कितना टाइम पसार हो गया, किस तरीके से दिया है, वो जानना पड़ेगा। उसका, उस पेशेंट का वॉमिट, यूरिन वो कलेक्ट करना पड़ेगा, उसको एनालिसिस में देना पड़ेगा, फिर केयरफुल ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, फूड का और पेशेंट के सिम्टम्स को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, वो जो खाना दिया था उसके कलर में, टेस्ट में, स्मेल में कुछ चेंज था या नहीं वो देखना पड़ेगा, उस पेशेंट के साथ बाकी लोगों ने भी वो सस्पेक्टेड खाना खाया था तो उस पर क्या असर होगा, हुआ है वो भी देखना पड़ेगा, वहाँ जो मौजूद थे उस लोगों के स्टेटमेंट भी लेने पड़ेंगे, और सीनियर प्रैक्टिशनर को भी कंसल्ट करना पड़ेगा, एक्सपर्ट एडवाइस लेनी पड़ेगी। और वो अगर पेशेंट घर पे है तो उसको हॉस्पिटल में रिफ़र करना है, और अगर हॉस्पिटल में जाने के लिए वो मना कर रहा है तो घर में ही उसके ट्रीटमेंट, केयर, और फिर से ये ना हो उसके लिए वहाँ एक कॉन्फिडेंस नर्स का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, जो उसको टाइम टाइम पर खाना देगी, दवाइयाँ देगी और उसका ध्यान रखेगी, किसी को वहाँ आने नहीं देगी, और कोई वहाँ आता भी है तो उसकी प्रेजेंस में आएगा, ताकि दूसरी बार वो पर्सन इसको खाना या पीना देके मारने की कोशिश ना करे। इफ़ ए पर्टिकुलर पर्सन इज सस्पेक्टेड, अटेम्प्ट शुड बी मेड टू आउटविट हिम बाई चेंजेस ऑफ डाइट। और अगर कोई उसका नज़दीक का रिश्तेदार खाना या ड्रिंक्स देने के लिए फोर्स कर रहा है, तो उस पेशेंट का डाइट चेंज कर लो, उसका टाइम चेंज कर लो। सच पर्सन, और उस पर्सन को किसी की प्रेजेंस में ही आने दो, डॉक्टर या नर्स की, अकेले ने। और जो पर्सन ने होमिसाइडल पॉइजनिंग का प्रयत्न किया है खाना या पीना देकर, वो बंदा फिर से कोशिश करेगा, आएगा और खाना या पीना देने के लिए फोर्स करेगा, लेकिन उसको अलाउ नहीं करना है। और वो अगर ऐसी कोशिश भी करता है और उस पर डाउट्स हमें आता है, तो वो डाउट्स कंफर्म कैसे होगा, कि वो पेशेंट बोलेगा कि नहीं मुझे खिलाना ही है, और वो खिलाएगा और बाकी जो बचा हुआ खाना है वो बाहर फेंक लेगा खुद ही, तब जाके हमें लगेगा कि इसने कुछ गड़बड़ की है, लेकिन उससे पहले हमें कोई गड़बड़ करने देना नहीं है। द डॉक्टर शुड, और हमें उस जिस पर होमिसाइडल पॉइजनिंग का प्रयत्न हुआ है उसका हमें सब रिकॉर्ड रखना है, डॉक्टर्स कितनी बार विजिट पे गए, उसके साइन सिम्टम्स, कौन सी ट्रीटमेंट दी, वो सब हमें रखना है, वहाँ उसके वो मलमूत्र भी लेने हैं, और वहाँ सरकमस्टेंशियल एविडेंस पर जो बॉटल्स, कैप्सूल्स वगैरह पड़ा है, क्लॉथ्स पर स्टेन्स है, तो उसको भी हमें एमिकल एनालिसिस के लिए कलेक्ट कर लेना है, ताकि हमें पता चले कि क्या देने का प्रयत्न किया था। अगर हम ये सब नहीं कर रहे हैं और हम इसको होमिसाइडल पॉइजनिंग का केस है और हम नहीं बता रहे हैं, तो हमारा पर 201 के मुताबिक पनिशमेंट हमें लगेगा। वंस द सस्पिशंस आर कन्फर्म, ही शुड रिक्वेस्ट द रिमूवल ऑफ द पेशेंट टू द हॉस्पिटल। इफ द विक्टम, और हमें ये तय हो जाए कि इसी ने ये दिया है, तो हमें पेशेंट को घर से हॉस्पिटल में ले लेना चाहिए, घर पे रिस्क रहेगा। इफ़ इट इज़ प्रूव दैट द डॉक्टर डिड इट विद द इंटेंशन ऑफ प्रोटेक्टिंग द एक्यूज,
इफ ए प्राइवेट प्रैक्टिशनर इज कन्विंस दैट द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम होमिसाइडल पॉइजनिंग इज बाउंड, उसको 39 सीआरपीसी के मुताबिक हमें नियर के मैजिस्ट्रेट को सब कुछ बताना पड़ेगा। अगर हमने नहीं बताया तो 176 के मुताबिक हम गुनहगार होंगे। और हमने पहले ही बता लिया है कि सुसाइडल पॉइजनिंग में हमें अटेम्प्ट में हमें 309 के मुताबिक कुछ पुलिस को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो सुसाइड करना का अटेम्प्ट वाला पे अगर मर जाता है तो पुलिस को इन्फॉर्म करना है और डेथ सर्टिफिकेट इश्यू हमें नहीं करना है, क्योंकि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएगा, वहाँ कैजुअलिटी में जाएगा, वहाँ से ऑर्डर निकलेगा ऑटोप्सी का, ऑटोप्सी के रिपोर्ट्स आएंगे, कॉज ऑफ डेथ पता चलेगा और बाद में वो कैजुअलिटी वाला जिसने उसको डेथ सर्टिफिकेट इश्यू करेगा। इसके आगे हम बात करते हैं कि इफ़ द प्रैक्टिशनर इज समन्ड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग, अब ये जाके कोर्ट का पिक्चर है कि कोर्ट में अगर हमको समन्स आया है और हम एज ए विटनेस के तौर पर गए हैं तो हमारा 175 के मुताबिक हमें उस केस रिलेटेड सब इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर को देना पड़ेगा। और अगर हम उस इंफॉर्मेशन को छिपाते हैं तो हमें 202 के मुताबिक पनिशमेंट होगा। और अगर हम इस मैटर को छिपाते नहीं लेकिन हम कुछ गलत बोलते हैं उस जगह समन्स लेकर वहाँ इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर के सामने, मतलब हम फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हैं, तो हमें 177 आईपीसी लगेगा। एक गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर के लिए तो कोई भी मेडिको लीगल केस है, या तो एक्सीडेंट का है, सुसाइड का है, या होमिसाइडल का है, तो उसको पुलिस को रिपोर्ट करना ही करना है। लेकिन प्राइवेट प्रैक्टिशनर को सुसाइड के अटेम्प्ट वाला पेशेंट या एक्सीडेंट वाले पेशेंट को पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो सीरियस हुआ तो डाइंग डिक्लेरेशन लेना है, और मर गया तो पुलिस को इन्फॉर्म करना है, डेथ सर्टिफिकेट इश्यू नहीं ही करना है। ये बात हो गई। और इन केस ऑफ फूड पॉइजनिंग, पहले हमने बात की पॉइजनिंग की, होमिसाइडल पॉइजनिंग की, अब बोल रहे हैं कि फूड पॉइजनिंग वाला केस अगर हमारे पास आता है तो पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज़ को हमें वो बात बतानी है कि इस जगह कुछ फूड पॉइजनिंग हुआ है, ताकि वो वहाँ जाके पता करे कि कौन से फूड में क्या गड़बड़ हुआ था, उसका चेकिंग करें, उसका सैंपल कलेक्ट करें। थैंक यू वेरी मच।